Mam, y we're discussing tsunami. Okay, so we have discussed in the topic water about till now water cycle, about the distribution of water in various water bodies. Okay, and then we have started ocean circulation. Okay, so our discussion is related to ocean circulation. Mam, waves or tsunami? So in ocean circulation, we have done three types of ocean circulation. Means ki when ocean water is not still, ocean jo water hai, so this water is not still, it is continuously moving, it is in circulation. Jo ocean water hai wo circulation mein hai, wo ek jagah still nahi hai. ठीक है, ओशियन वाटर इज नॉट स्टिल, इट इज ऑलवेज इन सर्कुलेशन. और इसकी सर्कुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट टाइप क्या है? वेव्स. सेकंड, टाइड्स. ठीक है, अभी हमने फर्स्ट जो वेव्स हैं यही हमने डिस्कस की हैं. सो व्हाट इज वेव्स? सो व्हाट इज वेव? Yes, what is wave? Hanji? Rise and fall in ocean water. ठीक है, ocean water के surface के ऊपर rise and fall. कि ocean का water सीधा नहीं है. ठीक है, it is not still. There is rise and fall in surface of. अब ये क्या है ocean का surface? If surface के ऊपर पानी राइज भी कर रहा है, फॉल भी कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे पानी आता है. राइज एंड फॉल ऑफ वॉटर ऑन ओशियन सरफेस. राइज एंड फॉल किसका हो रहा है? वॉटर का. कहाँ पे हो रहा है? ऑन सरफेस ऑफ ओशन. ठीक है, ओशन के सरफेस पे. दिस इज कॉल्ड टाइड. ठीक है, इसको टाइड कहते हैं. सो देन सॉरी, इसको हम कहते हैं वेव्स. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने की एक केस स्टडी. सो दैट केस स्टडी वाज आल्सो रिलेटेड टू. अब वेव्स में लार्ज ह्यूज वेव भी होती है. ठीक है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव वेव. और उस वेव को हम क्या कहते हैं? सुनामी. हार्बर वेव, सुनामी. ठीक है, सो दिस डिस्ट्रक्टिव वेव, सुनामी, रीजन क्या हो सकता है इसका? एनी अर्थक्वेक, एनी वोल्केनिक इरप्शन, और देयर कैन बी एनी अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड. ठीक है, अंडर वाटर, लैंड वाटर, लैंडस्लाइड भी हो सकता है. सो मेनी रीजन ड्यू टू दिस ह्यूज टाइडल वेव. अब सुनामी क्या है? वेव तो है ही, साथ में टाइडल वेव है. अब टाइडल क्या है? टाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सुनामी क्या है? ह्यूज टाइडल वेव. ठीक है, सो दिस ह्यूज टाइडल वेव, इट इज कॉल्ड सुनामी. अब इसमें जो हमने केस स्टडी की, उसमें विच पॉइंट ऑफ इंडिया दैट वाज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, विच पार्ट पॉइंट ऑफ विच आइलैंड दैट वाज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट. सो इंदिरा पॉइंट वेयर इट इज इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, एंड we have discussed the complete case study that it has caused much of the destruction. ठीक है, and the last point, its speed was very high, up to the 700-900 kilometer and per hour its speed was 2. कि जब when it was near to the Andaman Nicobar Island, इसकी speed ज़्यादा थी. जैसे जैसे ये sea coast इधर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की तरफ आया तो थोड़ी speed उसकी और कम हो गई. ठीक है, अर्लियर 700 टू 900, फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई. लेकिन मच डिस्ट्रक्शन वाज कॉज टू द कोस्टल एरियाज. अब इसमें जो लास्ट में है कि कई इसमें अर्थक्वेक, दिस सुनामी वाज ड्यू टू द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आया था, जो अर्थक्वेक दैट वाज ऑन द ओशन फ्लोर, ऑफ हाउ मच मैग्नीट्यूड? इट वाज 9 पॉइंट. ठीक है, 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड दिस अर्थक्वेक वाज. एंड अर्थक्वेक को हम स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वी कांट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक इन एडवांस.
लेकिन जो हम वेव्स हैं उसकी कई बार 3 to 4 hours वार्निंग दे सकते हैं कि देयर कैन बी कि दिस एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन द ओशन वाटर, ठीक है, सो यू कैन मूव टू द सेफर प्लेस. 3 to 4 hour वार्निंग दे सकते हैं, बट उसके लिए क्या हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रॉपर लगाने पड़ते हैं प्रोसेस, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है. लेकिन इस तरह का कोई प्रोसेस जो है वो इंडियन ओशन में नहीं था, बिकॉज इंडियन ओशन में इस तरह की सीस्मिक एक्टिविटीज कभी ऑब्जर्व ही नहीं की, कई 100 years में इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं हुई. पैसिफिक ओशंस में होती हैं, तो पैसिफिक ओशंस में ऑलरेडी वहां पे मॉनिटरिंग के लिए काफी उन्होंने लगाए हुए हैं वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो वहां पे वो पहले मेजर कर भी देते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं. लेकिन इंडियन ओशन में इस तरह का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इस सुनामी का भी पहले हमें पता नहीं चला इन 2004 की दिस सुनामी इज अप्रोचिंग. और इस सुनामी ने, जिसने की साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट में को पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया, सो दिस लार्ज डैमेज वाज पोस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी आल्सो. सो दिस वाज आल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम. जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम था उसकी कहीं ना कहीं कमी थी, सो दैट इज व्हाई वी कांट गिव अर्ली वार्निंग. हम अर्ली वार्निंग नहीं दे पाए उस टाइम पे, ठीक है. और जो वहां पे उस टाइम पे जो कोस्ट ड्वेलर्स थे, जो कोस्ट एरियाज में रह रहे लोग थे, उनको वार्निंग नहीं मिली, तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन थी, ज्यादा हुई. सो फर्स्ट, अब जब सुनामी आई थी तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या थी, लोगों को कैसे पता चला था कि सुनामी आ रही है? फर्स्ट इंडिकेशन कि जो ओशियन वाटर था वो ओशियन वाटर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ओशियन वाटर में क्या हुआ था, लैंड अर्थक्वेक आया, तो लैंड नीचे क्या हो गई, सिंक हो गई थी, टिल्टेड हो गई थी, और ओशियन वाटर उस गैप को कवर करने के लिए नीचे गया, तो शोर से पानी थोड़ा पीछे चला गया. ओशियन का पानी यहाँ शोर से थोड़ा पीछे चला गया, तो लोगों का कि ये कोई मैजिक हो रहा है कि ओशन का पानी थोड़ा पीछे जा रहा है. लेकिन जो पानी पीछे गया था वो बाद में फिर डिस्ट्रक्टिव वेव बन के कोस्ट पे आया, जिसने कि सब कुछ वहां पे खत्म कर दिया, ठीक है. तो इसमें ये भी लास्ट में है कि व्हेन द सुनामी वाज अप्रोचिंग द रैपिड विदड्रॉल ऑफ वाटर, देन इट वाज अगेन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव, ठीक है. जब ये चीज हो रही थी, then people gathered, people लोगों को लगा कि कुछ मैजिक हो रहा है, कि ओशन वाटर अपने आप थोड़ा पीछे जा रहा है, ठीक है. सो दे गैदर टू सी द व्यू कि क्या हो रहा है ये, बट सीधा उन पे आके सुनामी ने स्ट्रक कर दिया एंड दे वर डिस्ट्रॉयड. तो दिस वॉज द केस स्टडी रिलेटेड टू वेव्स. नाउ वेव्स आर क्लियर, वट इज वेव, वट इज सुनामी, दीज आर क्लियर. सो नेक्स्ट इसमें सर्कुलेशन है, ओशियन वाटर की सर्कुलेशन, दैट इज टाइड. अब टाइड क्या है, टाइड इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर. अब ये भी क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, वेव्स भी राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, ठीक है. एंड दिस टाइड, दिस इज ऑल्सो राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर लेवल, ठीक है. जैसे वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज रिदमिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे. तो दिन में दो बार ऐसा होता है कि एक बार लेवल हाई होता है, एक बार लेवल कम. ये ऑन द सरफेस ऑफ राइज एंड फॉल नहीं है, ये राइज एंड फॉल किसका है, ओशियन वाटर का. ओशन वाटर का लेवल एक टाइम पे ज्यादा है, एक टाइम पे कम, इतना ज्यादा भी नहीं है कि बाहर तक आ जाए, तो देयर इज स्लाइटली हाई एंड लो टाइम, ठीक है. रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड. अब हाई टाइड, जब वाटर लेवल यहाँ ऊपर होगा तो ये हाई टाइड होगा एंड वाटर कम्स टू द शोर. जैसे यहाँ पे अगर शोर है, किनारा जो सी कोस्ट है, तो पानी जब हाई टाइड होगा, पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, तो वाटर जब यहाँ ओशन में तो आता ही है ना, जब आप सी कोस्ट पे हो तो पानी ओशन का आता भी है, देन इट आल्सो गोज बैक, इट राइज एंड फॉल्स, ठीक है. तो जब हाई टाइड होता है, देन देयर इज हाई टाइड, तो पानी कवर मोस्ट ऑफ द शोर, पानी शोर पे बहुत दूर तक आ जाता है, और जब लो टाइड होता है तो पानी शोर में ज्यादा आगे तक नहीं आ पाता, ठीक है. सो ये टाइड्स कौन से होते हैं, हाई एंड लो, एंड दिस इज द राइज
एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशियन वॉटर. ये डिफरेंस क्लियर हुआ? इसमें राइज एंड फॉल है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉटर ऑन सरफेस ऑफ ओशियन. एक ही सरफेस है, उस पर वॉटर राइज एंड फॉल कर रहा है. ठीक है, टाइड्स क्या है? राइज एंड फॉल इन लेवल. लेवल ऑफ ओशन वॉटर लो है, फिर लेवल ऑफ ओशन वॉटर ज्यादा है. ठीक है, तो राइज कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, फिर कभी ज्यादा कभी कम. ठीक है, सो दिस इज राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वॉटर, दिस इज राइज एंड फॉल इन वॉटर ऑन सरफेस ऑफ ओशन. डिफरेंस इज क्लियर? ठीक है, एंड वेन देयर इज हाई टाइड, और जब हाई टाइड होता है, वॉटर लेवल ज्यादा है, देन वॉटर कम्स टू द शोर, तो थोड़ी दूर तक पानी आता है. ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ किनारा है, पूरा बीच साइड है. ठीक है, जैसे ये बीच है या सी शोर है, तो इस बीच में पानी दूर तक आता है. लेकिन जब लो टाइड है तो पानी ज्यादा आगे तक नहीं आता, पानी ज्यादा शोर कवर नहीं करता, पीछे तक ही रहता है. ठीक है, सो इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट हाईएस्ट लेवल. वाटर अपने हाईएस्ट लेवल पे राइज करता है. ठीक है, एंड कम्स टू द शोर एंड कवर मोस्ट ऑफ द एरिया. एंड व्हेन इट इज लो टाइड देन वाटर फॉल्स टू इट लोएस्ट लेवल. जो भी इसका लोएस्ट लेवल है, पानी इसका कम हो जाता है. एंड द रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और पानी शोर से थोड़ा पीछे ही रहता है. ठीक है, ये डिफरेंस कवर हुआ कि किनारे तक ज्यादा कम आता है व्हेन इट इज हाई टाइड, एंड व्हेन इट इज लो टाइड इट रिसीड्स फ्रॉम द शोर. तो ये शोर से वापस चला जाता है. व्हाट इज शोर? किनारा, जो बीच, सी कोस्टल एरिया है. ठीक है, सो वेव्स क्या थी? अब ये क्या है? वेव्स, राइज एंड फॉल ऑफ वॉटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन. ये राइज एंड फॉल किसकी वजह से हो रहा था? विंड की वजह से. ठीक है, ये जो वेव्स में राइज एंड फॉल हो रहा था किसकी वजह से? विंड, कि विंड जा रही है तो पानी को भी उसमें राइज एंड फॉल कॉज कर रही है. सो राइज एंड फॉल ऑन सरफेस ऑफ ओशन, ये ओशन के सरफेस पे वॉटर जो राइज एंड फॉल कर रहा है. ठीक है, राइज एंड फॉल क्या कर रहा है? राइज एंड फॉल वॉटर. अब इसमें भी टाइड्स में भी राइज एंड फॉल हो रहा है. किसका हो रहा है? लेवल ऑफ ओशियन वॉटर. वो सिर्फ वॉटर राइज एंड फॉल कर रहा है, ये लेवल कम ज्यादा हो रहा है. ओशियन वॉटर का लेवल, वहां पे लेवल नहीं है, वहां पे जस्ट ये राइज एंड फॉल है. ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे लेवल कम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, ओशियन लेवल. सो लेवल ऑफ ओशियन वॉटर, इसमें जो है राइज एंड फॉल हो रहा है. नाउ डिफरेंस इज क्लियर? ठीक है, हाँ जी बेटा, ओके. सो अभी टाइड्स की हम बात करते हैं कि टाइड्स कैन बी हाई एंड लो. अभी हमने देख लिया कि वाटर लेवल जब ज्यादा होता है तो इट कम्स टू द शोर, कवर्स मोस्ट ऑफ द शोर. व्हेन वाटर इज लेवल इज लोएस्ट, इट कवर लेस ऑफ द शोर. ठीक है, सो व्हाई दिस हैपेंस, इस तरह क्यों है लेवल? जैसे हमने ये किया कि ये जो वेव्स थी, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द विंड, व्हेन विंड इज फ्लोइंग, और जब विंड ज्यादा तेज होगी, द ग्रेटर द विंड, ठीक है, देन विंड स्क्रैप ऑन द ओशियन फ्लोर, देन देर आर वेव्स. सो वेव्स आर फॉर्म्स व्हेन विंड स्क्रैप ऑन द ओशियन फ्लोर, जो ओशियन का सरफेस है. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर द विंड, जितनी विंड स्ट्रॉन्ग होगी ये वेव्स उतनी ज्यादा होंगी. ठीक है, विंड स्मूथ आ रही है तो वेव्स भी स्मूथ जा रही है. अगर विंड स्ट्रॉन्ग है तो ये वेव्स भी क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. सो नाउ व्हाई दिस टाइड्स हैपन? ठीक है, यस, ये हमें पता है कि देयर इज सो हमारी अर्थ पे हाउ मच वाटर इज कवर्ड? 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. एंड देयर इज मून, यहाँ पे मून है, इट हू रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ.
मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? हमारी अर्थ के अराउंड। और अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड, है ना। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, और ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। जो मून है वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि वो अपने रास्ते से इधर उधर नहीं जाती, अपने रास्ते में ही रिवॉल्व करती है। फिक्स्ड पाथ है उसका ऑर्बिट, ठीक है, जिसमें कि इट कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व। तो नाउ कि देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो व्हेन अर्थ इज इन दिस पोजिशन, जब अर्थ इस पोजिशन में है कि हियर इज मून, हियर इज सन, सो सन इज हैविंग इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, मून इज हैविंग इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, सो देयर इज 71% अर्थ वॉटर इज इन दैट ओशियन, सो दैट देयर इज, सो दैट वॉटर इज attracted towards this gravitational force, ठीक है, और this is also one of the position. अब अर्थ मून क्या कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में तो मून यहाँ पे है, एक पोजिशन में जो मून है दैट विल बी इन दिस पोजिशन, ठीक है, मून इस पोजिशन में होगा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर है, देन द ओशियन वाटर इट गेट्स मोर अट्रैक्टेड, और यहाँ पे क्या होता है, टाइड हाई, ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन होती है, फुल मून की, फुल मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाईएस्ट होता है। अदरवाइज हमने बात की कि डेली टू टाइम्स तो हाई टाइड और लो टाइड होता है, ठीक है, टाइड्स अकर टू टाइम्स, दो टाइम्स होता है डेली, लेकिन हाईएस्ट लेवल कब होता है, हाईएस्ट लेवल होता है फुल मून पे, ठीक है, इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कहाँ पे वर्क कर रहा है, इन दिस पोजीशन और इन दिस पोजीशन, इन विच पोजीशन, अब अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट मून की पोजीशन हो सकती है, ठीक है, अब मून इस पोजीशन में भी हो सकता है ना, मून इस पोजीशन में भी हो सकता है, सो वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन द ओशियन वाटर, इन विच पोजीशन, ए बी और सी, इन विच पोजीशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ओशियन वाटर इज मैक्सिमम, कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे वाटर है, ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर है, तो कहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम, ए में, है ना, क्योंकि बोथ सन एंड मून, दिस इज सन, दिस इज मून, है ना, ये मून है, ये सन, सो बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड देयर इज हाई टाइड, ठीक है, सो व्हेन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून, तो दोनों का ही ग्रेविटेशनल फोर्स है सन एंड मून, अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स, तो जिससे कि अर्थ सरफेस पे ये टाइड्स आते हैं, टाइड्स rise and fall in the ocean water, ये होता है, why, because water of earth closer to moon, और जब water closer होता है moon के, तो then there is high tide, तो वहां पे high tide होता है, और full moon और new moon days पे, ठीक है, जब ये full moon का होता है, full moon पे हमें पूरा moon visible होता है, पूर्णमासी में हमें पूरा moon visible होता है, ठीक है, वंस इन ए मंथ देयर इज फुल मून, सो ऑन दैट पोजीशन ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड अर्थ, ये तीनों क्या है, सेम लाइन में है, सन मून एंड अर्थ दे आर इन सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, और उस टाइम पे टाइड्स क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे, ठीक है, एंड दीज टाइड्स आर स्प्रिंग टाइड्स, और जो हाईएस्ट टाइड्स होते हैं उनको हम कौन से टाइड कहते हैं, स्प्रिंग टाइड, ठीक है, और जो लो होते हैं उनको हम कहते हैं नीप टाइड, सो स्प्रिंग टाइड्स व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन एंड मून इज हाईएस्ट, देन द टाइड्स विल बी हाईएस्ट, ठीक है,
And these tides are called spring tides, but when moon is in its first and last quarter. लेकिन जब moon कहाँ पे है? Quarter position, ठीक है? First यहाँ से move करके moon यहाँ पे आएगा, ठीक है? So when moon is in first and last quarter, so then the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction. So diagonally opposite directions में यहाँ से ये force लगा रहा है, यहाँ से ये force ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो डिफरेंट ऑपोजिट डायगोनली डायरेक्शंस में द फोर्स इज वर्किंग, सो देन द टाइड विल बी लो, ठीक है? सो ओशन वाटर इट गेट्स ड्रॉन डायरेक्टली डायगोनली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो देन इट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, सो इट इज लो. And these tides are called, इनको हम क्या कहते हैं फिर? नीड टाइड्स, ठीक है? हाई टाइड कहाँ पे? उनको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स. लो टाइड्स को हम बोलते हैं नीड टाइड्स. अब इन टाइड्स का यूज क्या है, ठीक है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज टाइड्स? अब हाई टाइड्स जो है, हाई टाइड्स इट ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन, ठीक है? क्योंकि जो शिप्स होते हैं, अब हार्बर्स कहाँ बने होते हैं? सी शोर्स पे हार्बर्स भी बने होते हैं. हार्बर्स क्या होता है? जहां पे कि शिप्स को रखा जाता है, वेयर शिप्स आर प्लेस्ड ऑन द शोर, ठीक है? वहां से उनसे सामान उतारा भी जाता है, फिर उनमें सामान बाद में लोड करके फिर उनको सेल भी किया जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हार्बर्स भी बने होते हैं जहां पे कि शिप्स को रखा जाता है, वेयर शिप्स आर बीइंग प्लेस्ड. तो व्हेन देयर विल बी हाई टाइड, जब हाई टाइड होगा तो शिप्स यहाँ से बड़ी आसानी से अपनी जगह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब लो टाइड है तो शिप्स को यहाँ से खींच के अपने प्लेस पे लाना पड़ेगा, ठीक है? So when there is high tide, so then they raise the water level. High tide में water level थोड़ा rise हो जाता है, ठीक है? And ship can arrive to the harbor very easily. और ships बड़े आराम से harbor तक पहुंच जाते हैं, shore पे पहुंच जाते हैं. So this high tides also help in fishing. फर्स्ट क्या हो गया? दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर वेरी इजीली. देन दे आर आल्सो हेल्पफुल इन फिशिंग. फिशिंग में कि बहुत सारी ज्यादा फिश सी शोर तक आ जाती हैं, तो फिशरमैन को भी बड़ी इजी होती है, इजीली दे कैन कैच द फिश. ये भी उनके लिए इजी हो जाता है. दिस आल्सो एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच ऑफ द फिश. एंड दिस राइज एंड फॉल ऑफ वॉटर ड्यू टू द टाइड्स. और कई बार ये राइज एंड फॉल को किस लिए यूज किया जाता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इसे टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इस टाइड्स को, ठीक है? सो व्हाट इज टाइड? राइज एंड फॉल इन ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, ठीक है? हाई टाइड एंड लो टाइड, व्हेन वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द शोर, ठीक है? देन इट इज हाई टाइड. व्हेन ऑन द लो टाइड द वॉटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर, तो वाटर जो है वो शोर से थोड़ा वापस जाता है. ये चीज क्लियर होगी. व्हाट इज हाई टाइड लो टाइड? हाईएस्ट कब होता है? ऑन द फुल मून. फुल मून जब होता है तब ये टाइड हाईएस्ट होता है, ठीक है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, हम कहते हैं कि ये जो इसका लेवल है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो हाईएस्ट लेवल है. और वो कब होता है? फुल मून में, ठीक है? अदरवाइज ये राइज एंड फॉल करता रहता है, वेरी करता रहता है ट्वाइस इन अ डे, क्योंकि अर्थ भी, मून भी क्या कर रहा है? हमारी अर्थ भी रोटेट भी कर रही है, ठीक है? एक पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है, एक पार्ट पीछे होता है, तो अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, सभी एक्शंस क्या एक साथ हो रहे हैं, मन भी, मून भी रिवॉल्व कर रहा है ना? तो ऑल द फोर्सेज आर वर्किंग टुगेदर. हमारी अर्थ रोटेट भी कर रही है, हमारी अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो डिफरेंट फोर्सेस आर वर्किंग एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है? तो जब ये पोजीशन है, इसमें तो सभी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो हाईएस्ट टाइड होगा. ये चीज क्लियर होगी. ये पोजीशन है तो डिफरेंट फोर्सेस आर वर्किंग, देन टाइड विल बी लो, ठीक है? अदरवाइज डेली टू टाइम्स तो टाइड्स होता ही है, हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है? ट्वाइस इन अ डे देयर इज राइज एंड फॉल इन द वाटर और ओशन लेवल, सो दैट इज कॉल्ड टाइड. क्लियर हो गया बच्चे ये? इसमें हां जी भव्या,
मैम जी आपने लास्ट में कहा कि जो हार्मर्स होते हैं उनको हेल्पफुल होती है फिशिंग, तो मैम वो हाई टाइड्स होते हैं कि लो टाइड्स है? हाई टाइड्स, बिकॉज़ व्हेन देयर इज हाई टाइड मोर वाटर कम्स टू द सी शोर, ठीक है, लो टाइड में तो इट रिसीड्स फ्रॉम सी शोर, हाई टाइड में सी शोर तक आता है ज्यादा, ठीक है, तो मोर फिश कम टू द सी शोर, ज्यादा फिश आती है, ठीक है, तो उनके लिए इजी हो जाता है उनको कैच करना। yes. और मैम जो आपने सी वाली पिक्चर बनाई है मैम, उसमें फिर कौन सी टाइड होगी? व्हेन देयर इज राइज एंड फॉल, जब राइज एंड फॉल होता है वाटर में तो दिस इज कॉल्ड टाइड, और जब सिर्फ राइज एंड फॉल सरफेस पे हो रहा है उसको हम वेव्स कहते हैं, जब लेवल में राइज एंड फॉल हो रहा है वो टाइड है, जब सिर्फ वाटर का इस तरह वेव्स बन रही है तो वो वेव्स है, जब सरफेस के ऊपर सिर्फ वाटर ऐसे से चल रहा है, ठीक है, जब वाटर लेवल और सन का इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, मून का इधर से कर रहा है, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? तो मैम कौन सी टाइड होगी? यस, हियर इट इज द नीप टाइड, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड है, ठीक है, यहाँ पे भी नीप टाइड है, हियर इट इज ऑल्सो नीप टाइड, ये भी नीप टाइड होगी, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया ये चीज, एनी डाउट? ओके, सो नाउ इसमें अभी हम नेक्स्ट जो इसकी ओशियन सर्कुलेशन में नेक्स्ट है दैट इज ओशियन करंट्स, ठीक है, सो ओशियन करंट्स, फर्स्ट हो गया हमारा वेव्स, देन सेकेंड टाइड्स, नाउ थर्ड इज ocean currents in ocean circulation. We know that ocean, अब ocean currents होते क्या है? They are like streams. Streams क्या होती है? जैसे हम river कह सकते, small river. Streams of water. अब ocean में भी small rivers होती हैं. अब ocean में rivers कैसे होती है? ये हम देखते हैं, ठीक है? Ocean currents क्या है? Streams of water. Flowing constantly in the same direction. जैसे हमें पता है कि जहां पे अर्थ है, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट पार्ट में क्या है, मोस्ट ऑफ द 71% ओशियन वाटर है, डिफरेंट ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ठीक है, सपोज हियर इट इज अफ्रीका, इंडिया, विजिबल है कि नहीं? थोड़ा बहुत विजिबल है, ज्यादा नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे यहाँ पे हम स्मॉल इंडिया कर लेते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे यूरोप, एशिया, थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, तो ये कुछ हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट ओशियन वाटर अलग अलग ओशियंस में हमने किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया है, डिफरेंट हमने किए हुए हैं ओशियंस, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी हैं, अब ओशियन वाटर स्टिल नहीं है, ये मूव कर रहा है, ये भी हमें पता है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कहाँ पे विजिबल है, इक्वेटर कहाँ पे विजिबल है, इट इज विजिबल, इट इज नॉट विजिबल, सो व्हाट इज इट देन, इट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, अब ये डायग्राम डिफरेंट है, उसको उसके साथ मिक्स मत करना, ठीक है, सो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, अब इक्वेटर पे हमें ये भी पता है कि इंसुलेशन इज मोर ऑन द इक्वेटर, इंसुलेशन अर्थ द सन टेम्परेचर, सन डायरेक्ट रेज दे आर मोर इन इक्वेटर एंड दे आर लेस ऑन पोलर रीजन्स, ठीक है, द सन की है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज है और यहाँ पे स्लैंटिंग रेज है, मोर इंसुलेशन इज देयर ऑन द इक्वेटर रीजंस, तो जो इक्वेटर एरियाज पे ओशन वाटर होगा वो कैसा होगा, जो इक्वेटर के पास पास ओशन वाटर है दैट विल बी वार्म, और जो पोलर पोलर रीजन पे ओशन वाटर है वो कैसा होगा, कोल्ड, तो यही रीजन होता है कि ओशन वाटर जब वो स्टिल नहीं होता, इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक स्ट्रीम्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे नीचे इक्वेटर है, तो यहाँ इक्वेटर से वाटर ऐसे मूव करता है, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डायरेक्शंस,
यहाँ पे मूव करता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर, वॉटर की स्ट्रीम्स है, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन। आपकी बुक पे ये डायग्राम है, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये डिफरेंट वर्ल्ड मैप पे डिफरेंट एरोज बने हुए हैं कि वाटर सर्कुलेट कर रहा है, डिफरेंट कलर्स के एरोज है, ठीक है। रेड भी है, ब्लू भी है, रेड मीन्स हॉट एंड ब्लू मीन्स कोल्ड। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एनी डाउट फ्रॉम द वेव्स एंड टाइड्स, वेव्स और टाइड्स में कोई डाउट है, ओशन करंट को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, ठीक है बेटा, सो गो थ्रू द टॉपिक, ठीक है, एंड रिवाइज द व्हाटएवर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड।